यस, हमने खोज निकाला, हमने खोज निकाला कि सेल कैसे काम करता है। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद है और डीएनए ही प्रोटीन और एंजाइम की फॉर्मेशन में काम करता है। वाह, बायोलॉजी के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी खोज है। अब हम कह सकते हैं कि डीएनए ही लाइफ का ब्लूप्रिंट है। वाह, रिचर्ड एब्राइट सर, रिचर्ड एब्राइट सर, अरे क्या बात है, इतनी खुशी से झूमते हुए कहां से आ रहे हो? क्या आपको पता चल गया? अरे क्या हमारी सेल्स की थ्योरी पे आर्टिकल छपा है प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ये ऐसा पहली बार हुआ है इन्होंने किसी अंडर ग्रेजुएट के ऊपर आर्टिकल लिखा हो। नहीं, अब तक तो ये पीएचडी वालों का ही आर्टिकल छापते थे। अरे छापेंगे क्यों नहीं, हमने खोज भी तो कुछ ऐसी ही की है। हाँ ये तो है। अरे आओ बातें करते हैं। हाँ जी सर। अरे दिखाना जरा आर्टिकल। हेलो सर। अरे बिल्कुल ऐसा कर दिखाया हमने मानो किसी 15 साल के लड़के ने क्रिकेट की दुनिया में पहली बार बल्ला पकड़ा हो और अपने पहले मैच में छक्कों की बौछार कर दी हो। हाँ जी सर, ये तो है। बिल्कुल मजा आ गया आज तो। हाँ सर, मुझे एक बात बताओ आप। पूछिए। मैं सेल्स के बारे में जानता हूँ, डीएनए के बारे में जानता हूँ, न्यूक्लियस के बारे में भी जानता हूँ, और तो और मैं आपके कॉलेज से हूँ, आपका रूममेट भी हूँ, पर मैं आपके बारे में अच्छे से नहीं जानता। तो मेरे बारे में जानने के ज्यादा ही उत्सुक नजर आ रहे हो आप। हाँ जी सर, ये बात तो है। चलो तुम्हें बताता हूँ, मैं 22 साल का था तब मैं स्काउट ऑफ द ईयर भी रहा था। जैसे एनसीसी होती है, स्काउट भी एक ऐसी संस्था है जिसमें नैतिकता और योग्यता और जिम्मेदारी सिखाई जाती है। आ, 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 अरे सर, कहाँ से शुरू कर रहे हो? बचपन से शुरू करो प्लीज। अच्छा बचपन से बताऊं? हाँ जी सर। चलो बताता हूँ, मेरा जन्म रीडिंग शहर के साउथ पेंसिल्वेनिया में हुआ। मेरे पास बचपन से कुछ खास करने को नहीं था, ना ही मैं कभी फुटबॉल खेला और ना ही कभी बेसबॉल, लेकिन एक चीज में मैं सबसे माहिर था और वो था चीजों को इकट्ठा करने में। मैं जब किंडरगार्टन यानी नर्सरी में था तो मैं ऐसी तितलियों को इकट्ठा करता था और उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखता था। और इसके बाद मैंने पत्थरों को इकट्ठा किया और उसके बाद मरे हुए जानवरों की हड्डियों को। और तुम्हें पता है, रात को जब मैं छत पे सोता था, सोते हुए आसमान की तरफ देखता, तारों को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा एस्ट्रोनॉमर बनने की भी हुई थी। सर, इसका मतलब आप शुरू से ही ब्राइट माइंड और क्रियोसिटी वाले बच्चे थे और आपको बचपन से ही साइंटिस्ट बनना था, है ना? ये बात तो है। और मैंने एक और बात सुनी, आपके पिताजी का बचपन में देहांत हो गया था, उसके बाद आपकी माँ ने ही आपको संभाला, उनके बारे में भी कुछ बताओ। अरे रुको जरा बताता हूँ, 1 मिनट मैं यहां बैठता हूं। तुमने बिल्कुल सही कहा, जब मैं 3rd ग्रेड में था मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद मेरी सारी देखभाल मेरी माताजी ने ही की। तुम्हें पता है, मेरी माँ जब टूर पर जाती थी तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग मटेरियल, माउंटेन मटेरियल, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, तरह तरह का सामान लेकर आती थी और मुझे भेंट करती थी। अरे अच्छा सर, वाह। हाँ बिल्कुल, और तुम्हें पता है, स्कूल से पहले मेरी माँ ही मेरी एकमात्र साथी थी और उसके बाद जब मैं स्कूल में जाने लगा तो वही मोहल्ले से मेरे स्कूलमेट को लाती थी कि वो मुझसे दोस्ती करें। और तुम्हें पता है, डाइनिंग टेबल पे जब हम इकट्ठे खाना खाते थे तब मेरी माताजी मुझे हार्ड वर्क नहीं इंटरेस्टिंग लर्निंग वर्क देती थी जिससे मेरा दिमाग ज्यादा ग्रो करे। और तुम्हें पता है, इसी वजह से स्कूल में मेरे हमेशा टॉप ग्रेड आते थे। और फिर 2nd ग्रेड तक मैंने 25 तितलियों को कलेक्ट कर लिया था। अरे 25! वाह सर, शायद उसी के बाद आप डॉक्टर फ्रेडरिक ए यूरोकहार्ट को जानने लगे, है ना सर? हाँ कुछ ऐसा ही समझो, तकरीबन जब मैं 4th 5th क्लास में था तब मेरी माँ ने एक बुक मुझे भेंट की थी जिसका नाम था द ट्रायल ऑफ मोनार्क एक्स। उसके अंदर बताया गया था कि मोनार्क बटरफ्लाई कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती है
और उसके अंतिम पन्ने पर यह लिखा हुआ था कि आप भी हमारी मदद कर सकते हैं तितलियों के एक जगह से दूसरी जगह जाने के बारे में बताकर। लेकिन तितलियां तो बहुत सारी होती है, तो आपको ये कैसे पता चलता था कि ये तितली पुरानी है और ये तितली नई? बात सही है, बताता हूँ इसमें मेरी मदद किसने की। डॉक्टर यूरोकार्ट ने की थी, जो वो रिसर्च कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो कनाडा में स्थित है। मेरी माँ ने उन्हें एक पत्र लिखा था, उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ टैग दिए थे तितलियों पर चिपकाने के लिए, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि कौन सी तितली कौन सी है, पुरानी है या नई है। और उसके बाद मैं टैग वाली जितनी भी तितलियाँ पकड़ता उनको डॉक्टर के पास भेज देता था। क्या आप तितलियों के पंखों पर टैग लगाते थे? अरे हाँ बिल्कुल। पर इससे इनके पंख तो नहीं खराब होते थे? अरे नहीं, वो टैग बहुत ही ज़्यादा हल्के होते थे और हम इन्हें टूथपिक से बड़ी समझदारी और बहुत सेफ्टी से लगाते थे। अच्छा, फिर आपको कितना समय लगता था? अरे पूछो मत, ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी। मेरा सारा दिन वेस्ट हो जाता था, कभी मैं इस स्पीसीज की तितली को पकड़ता, कभी उस स्पीसीज की तितली को। फिर मैंने एक आइडिया लगाया, मैंने मोनार्क की ही कई तितलियों को पकड़ा और उनसे एग लिए। और फिर मैंने एग का क्या किया, आओ तुम्हें समझाता हूँ, इधर आओ। फिर मैंने मोनार्क से जो एग लिए उनसे कैटरपिलर बना और उनसे प्यूपा बनते बनते मेरे पास बहुत सारी एडल्ट बटरफ्लाई बन गई, जिनको फिर मैं रखने लगा। आप कहाँ पे रखते थे उनको? उनको मैं अपने घर के बेसमेंट में रखता था। अच्छा, इसका मतलब आपका बेसमेंट तो घर बन गया था तितलियों के लिए? जी बिल्कुल, मेरे घर में कई सालों तक बेसमेंट में तितलियां ही तितलियां मौजूद रही, ना ही कोई सामान रहा, वहाँ पर सिर्फ तितलियों की ही भीड़ मौजूद थी, जैसे कोई उनकी जनसभा चल रही हो। और फिर मेरा इस काम से मन उग गया, फिर मैंने ये काम छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बोरिंग काम था और सारा दिन तितलियां पकड़ना आसान भी नहीं था और इससे आउटकम भी कुछ नहीं मिलता था मुझे। हाँ ये तो है सर। और तुम्हें पता है, मेरी टैग लगाई सिर्फ दो ही तितलियां मुझे मिली, और वो भी 75 miles के अंदर जहाँ पर मेरा घर था, बाकी तितलियां मुझे मिली ही नहीं। अच्छा, अगर आप साइंस से बोर हो गए थे तो आपका फिर इंटरेस्ट कैसे बना इस फील्ड में दोबारा? पता है, जब मैं 7th standard में था तब मेरे स्कूल में एक साइंस का कॉम्पिटिशन हुआ था जिसमें मैं बुरी तरह से हार गया था। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे क्लास के जो बाकी स्टूडेंट थे उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट किए थे, जबकि मैंने एक फ्रॉग के टिश्यू को माइक्रोस्कोप की स्लाइड पर दिखाया था। इसकी वजह से मैं वो कंपटीशन हारा और उसके बाद मुझे बहुत ही बुरा महसूस हुआ, लेकिन मैंने मन में एक बात ठान ली कि आने वाले साइंस फेयर को मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, और फिर मैंने वो जीतने की जिद बना ली। उसके बाद आपने क्या किया सर? उसके बाद सबसे पहले तो मैंने ये डिसाइड किया कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने अब तक जितना काम किया इंसेक्ट पे ही किया है, तो इंसेक्ट का ही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ। लेकिन फिर भी मैंने डॉक्टर यूरोकार्ट को पत्र लिखा और उनसे सजेशन पूछे कि मुझे किस टॉपिक पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। उन्होंने बताया, मुझे बहुत सारे सजेशन दिए और उनकी मदद से मैंने अपने देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी बहुत सारे प्राइज जीते। उनकी बदौलत मेरा नाम देश विदेशों में गूंजने लगा। मैं अपने प्राइजों का सारा श्रेय डॉक्टर यूरोकार्ट को देना चाहता हूँ। सर आपकी मेहनत भी कम नहीं थी इसमें, है ना? अच्छा सर, फिर आगे क्या हुआ बताओ जरा। फिर जब मैं 8th class में हुआ तो मेरा प्रोजेक्ट था वायसरॉय तितलियों के ऊपर। जो वायसरॉय तितलियां हैं वो खाने में ज्यादा टेस्टी थी, जबकि मोनार्क टेस्टी नहीं थी। इसलिए जो बर्ड होते थे वो मोनार्क को तो खाते नहीं थे, वायसरॉय को खाते थे। पर वायसरॉय तितलियां कॉपी करती थी मोनार्क की, ताकि वो कम टेस्टी बने और जिनसे उनको बर्ड ना खा सके। लेकिन ये मेरा वहम निकला, जब मैंने दोनों तितलियों को रखा तो बर्ड्स दोनों तितलियों को खा गए। हाँ। मैं यहाँ पे भी असफल महसूस हुआ। हाँ ये बात तो है सर। फिर मैंने हार नहीं मानी। फिर उसके बाद सर आपने क्या किया? फिर पता है, 2nd year of high school में मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। जो मोनार्क का प्यूपा होता है उसके ऊपर 12 छेद होते हैं। मैं आओ तुम्हें डिटेल से समझाता हूँ, मेरे पास अवेलेबल है डाटा। जैसे ये प्यूपा आप देख ले हैं मोनार्क का, इसमें 12 छेद हैं। ये 12 छेद होते हैं, सब सोचते हैं कि सुंदरता का काम करते हैं,
लेकिन ये सुंदरता के लिए नहीं थे, मेरा और डॉक्टर यूरोखार्ट का ऐसा ही मानना था। तो हमने खोज निकाला कि ये जो 12 स्पोर्ट हैं ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और ये हार्मोन बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसके लिए मुझे कंट्री का फर्स्ट प्राइज मिला और इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग में जाने का मौका भी मिला। इसका मतलब सर, जब आप 11th क्लास में थे, मतलब हाई स्कूल जूनियर में, तो आपको इंटरनेशनल साइंस फेयर में अवार्ड भी मिला था। हाँ। उसी के बाद आपको आर्मी लेबोरेटरी ज्वाइन करने का मौका भी मिला था। बिल्कुल सही। अरे तुम्हें तो सब पता है। अरे नहीं सर, एक्चुअली मैं भी वहाँ पे था उस साइंस फेयर में। अरे बहुत अच्छा है, तब हमारी जान पहचान नहीं थी ना। हाँ, हाँ, जी सर। बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ फिर सर? उसके बाद जब मैं सीनियर ईयर यानी क्लास 12th में पहुंचा, तो मैंने मोनार्क के विंग्स पे फिर एक्सपेरिमेंट किया। उनके विंग्स पे हार्मोन डाले, विंग्स से जो सेल लिए थे उन पे हार्मोन डाला। अगर हार्मोन डाला तो वो ग्रो हुए, यानी वो पूरे पंख बने। और थोड़ा सा समझाता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से पता चले। जैसे मान लो ये मोनार्क बटरफ्लाई है, इसके ये विंग्स हैं, इनमें से मैंने कुछ सेल लिए और उन पे हार्मोन डाला। अगर हार्मोन डाला तो ये ग्रो हुए, यानी वो पंख बढ़े, नहीं तो फिर बटरफ्लाई ऐसे रही बिना पंखों के। ठीक है। और फिर मैंने एक्सरे की मदद से इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी निकाला, यानी ये कैसे बनता है। ओके ओके सर। और सर आगे बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड ईयर में मैं आपके साथ हूँ। हमने एक्सरे की हेल्प से इस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर पता कर लिया। ठीक है। और अब हमें पता लग चुका है कि हमारा डीएनए ही लाइफ का ब्लूप्रिंट है। इसी की हेल्प से सारे प्रोटीन बनते हैं, सारे एंजाइम्स बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा डीएनए ही लाइफ का ब्लूप्रिंट है। अरे बिल्कुल, अब तो मेरे बारे में जान गए ना सब कुछ, अब तो और बताने की जरूरत नहीं है ना। अरे नहीं नहीं सर, थैंक यू सर। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मिलेंगे। चलो चलते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी सर। अरे आज फिर खुश नजर आ रहे हो। हाँ जी सर। आज क्या बात है? अपनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ चुका है सर। अरे क्या रहा मेरा रिजल्ट? आप सेकंड आए हो टोटल 1510 बच्चों की स्ट्रेंथ में। कंग्रेचुलेशन सर, आप आज से ग्रेजुएट हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलो फिर आज तो पार्टी हो जाए इस बात। बिल्कुल बिल्कुल सर, चलिए। कीप एंजॉयिंग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ। ओके ओके। और मुझे रिचर्ड एब्राइट के बारे में जानना है सर, और मुझे पता चला कि उनके बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। रिचर्ड एब्राइट? जी सर। आप मुझे बता सकते हैं उनके बारे में सर? एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन में उनका कलीग था। जी सर। हमने साइंस के बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके साथ किए हैं। जी सर। रिचर्ड एब्राइट सर का शुरू से ही साइंस में बड़ा ज्यादा मन था। जब वो केजी और किंडरगार्टन में थे तो उस टाइम पे ही वो तितलियां कलेक्ट करते थे, साथ ही साथ कुछ सिक्के और फॉसिल्स भी कलेक्ट करते थे। उन्होंने स्कूल्स में, कॉलेज में और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में टॉप किया था। फिर बाद में आफ्टर हिज पोस्ट ग्रेजुएशन उनका पब्लिक स्पीकिंग और डिबेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा। फिर बाद में वो फोटोग्राफी करने लगे। वो ज़्यादातर साइंस और नेचर की ही फोटोग्राफी करते थे। अपना वो मतलब उनका शुरू से ही माइंड बड़ा शार्प रहा है। अपना उनका एक सोशल स्टडीज के टीचर भी थे, मिस्टर वेरियर। उनका कहना था कि वो प्राइज के लिए नहीं जीतते थे, वो जीतते इसलिए थे क्योंकि उन्हें अपना बेस्ट देना था। और मैं अगर कहूँगा द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के लिए मेन इंग्रेडिएंट क्या है, तो मैं कहूँगा ब्राइट माइंड, क्यूरियोसिटी एंड इनको मिक्स करके एंड द राइट रीजन फॉर द राइट वर्क। और अगर सही मायने में उनके इंटेलेक्ट, उनका दिमाग किसी बुक ने खोला है तो वो थी द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स बुक। इस बुक ने उनके मतलब क्यूरियोसिटी और इंक्रीज की, और मतलब उनके एक्सपेरिमेंट इतने अच्छे थे कि मानवता के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। मैं सीरियसली अभी भी मेरे को घूस पंप हो रहे हैं। रिचर्ड एब्राइट इज ए ग्रेट साइंटिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, उनके बारे में इतनी यूजफुल जानकारी देने के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।